वेलकम टू कम्युनिटी डिबेट। मैं आपकी होस्ट हूँ हलीमा सादिया। हमेशा की तरह हम कम्युनिटी के कुछ बहुत ही नुमाया लोगों को बुलाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में काम के माहिर होते हैं और कुछ न कुछ करके कम्युनिटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। इसी हिसाब से आज हमने बुलाया है अपने पास फराह सैयद को, जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं और उसके साथ साथ मैट्रिमोनियल चला रही हैं, जो कि इस वक्त कम्युनिटी की बहुत ही शदीद ज़रूरत है क्योंकि हमारी जनरेशन्स बड़ी हो रही हैं। उसके साथ साथ यूट्यूबर्स का बहुत रुझान है, यूट्यूब के ऊपर आपके चैनल्स और आपका कंट्रीब्यूशन और आपका काम बहुत अहम होता जा रहा है। इसके ज़रिए हम अपनी यंगर जनरेशन को भी अपने साथ जोड़ते हैं। यूट्यूब के ऊपर कुकिंग की क्लासेस या कुकिंग के रेसिपीज़ को शेयर करती हैं, ये इनका पैशन है। सोनिया सईदा साहिबा, आप दोनों को मेरे शो में वेलकम। थैंक यू। पर आपसे शुरू करूंगी सबसे पहले। जी ज़रूर। आप इवेंट प्रोड्यूस करती हैं, मैनेज करती हैं और उसके साथ साथ आप मैट्रिमोनियल भी चलाती हैं, तो कितने अरसे से आप ये कर रही हैं? हलीमा, वैसे मुझे, मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा देती हूँ। मुझे यहाँ पे कनाडा में आलमोस्ट 28 ईयर हो गए। कुछ अरसा मैं मॉन्ट्रियल में रही थी, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से इधर मूव हो गए और बहुत ब्रिक में काम किया, एक दो और जगहों पर किया। मैट्रिमोनियल का आलमोस्ट मुझे 15-20 साल हो गए हैं और इसमें मुझे ये था कि मैं लोग शो बहुत करवाती थी, मैं बहुत से इवेंट्स करवाती रही हूँ मॉन्ट्रियल में, रेडियो हम सफ़र करती रही थी। उससे ये हुआ कि लोग मुझे बहुत जानने लग गए, फिर लोगों ने बाकायदा मुझे कहना शुरू कर दिया, फरा हमारे बेटे के लिए बताओ, बेटी के लिए बताओ। फिर होता ये था कि मैं लोगों को बताती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी मुझे हर एक मिनट के बाद फ़ोन आता था। तो मेरा बॉस मुझे कहता है कि मुझे लगता है तुम इलेक्शन में खड़ी हो रही हो कि तुम्हारे लिए इतनी कॉल्स आती हैं। फिर मैंने कही बेईमानी है, काम कहीं और कर रही हूँ। और फिर मैंने बाकायदा इसको शुरू किए हुए 15-16 साल हो गए और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे इसमें अच्छा लगता है। मुझे अंदर से सुकून आता है अगर किसी की शादी होती है, किसी का मेरी वजह से रिश्ता सेट हो जाता है। और इतने रिश्ते करवाए हैं, इतना सब कुछ, और ये इसके साथ साथ मैं इवेंट्स का भी करती रहती हूँ, साथ साथ कम्युनिटी के और भी बहुत से प्रोग्राम करती हूँ। तो बस यही है, शौक बहुत था इन चीज़ों का, पैशन की वजह से आपने इस पे किया। सोनिया, आपकी तरफ आती हूँ। आप YouTube के ऊपर चैनल चला रही हैं और कुकिंग की रेसिपी देती हैं, बिल्कुल, तो ये ख्याल कैसे आया और कब से आया? ये ऐसे आया कि जब मैं अपने घर के लिए कुकिंग करती थी तो फैमिली वाले बड़ी तारीफ़ करते थे, फिर पार्टीज़ करनी, फ्रेंड्स वगैरह आती थी, वो बड़ा अच्छा फीडबैक देती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लास्ट ईयर बस सोचा कि अपना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए और अपना चैनल मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ ताकि दूसरे लोगों को मैं अपनी रेसिपीज़ दे सकूं और क्विक और ईजी रेसिपीज़ होती हैं मेरी जो कि लोग अच्छी तरह उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे जो अभी यंग हैं, जिनकी भी शादी हुई है, वो लोग जब मेरी रेसिपी देखती हैं तो वो मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक देती हैं कि आपकी जो रेसिपीज़ हैं वो अच्छी तरह समझ में आ जाती हैं और टाइम कम टाइम में बन जाती हैं। तो फिर सुन के बड़ी खुशी होती बड़ी है, खुशी अच्छा, होती लगता है, अच्छा लगता है बिल्कुल। कि आप लोगों के टेबल के ऊपर मौजूद होती हैं अपनी रेसिपीज के साथ और लोगों की जिंदगी में शेयर करके एक अच्छी फीलिंग होती बिल्कुल। है। इवेंट मैनेजमेंट एक बड़ा मुश्किल सा काम है जिसके अंदर ऑर्गेनाइज करना, लोगों को मिलाना और फिर उसी में से निकलता है कि आप शादियां भी कर, तो इतने डाइवर्स बैकग्राउंड में डाइवर्स लोगों को, आपको कैसा लगता है, महसूस कैसा, क्या ये मुश्किल काम है या आसान है, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? कैसे मतलब? मतलब ये कि इतने डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, जैसे शादी के लिए मैच मेकिंग करवाना एक एक फिरके का है, एक दूसरे, तो आप कैसे इसको? मेरा ख्याल के मुश्किल होता है क्योंकि जो आजकल की जो नई जनरेशन है ना, वो हर चीज़ को बड़ी जल्दी अपने अंदर वो कर लेती है। तो मेरा ख्याल में कि जब मेरा ये प्रोग्राम होता है, मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ, मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम का नाम होता है, इसमें हर तरह के लोग आते हैं, वो उन लोगों की अपनी प्रोफाइल उनके पास होती है, वो बताते हैं, फिर उसमें शिया भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं, दूसरे भी हैं, सब लोग आते हैं, सब लोग मिलते हैं, फिर उनको पता चलता है कि ये पार्टनर हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, तो आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल के कोई मुश्किल कोई फिरकों का तो नहीं प्रॉब्लम होता, जैसे सुन्नी शिया
احمدیز اور اس طرح کے کوئی مسائل تو نہیں ینگر جنریشن میں آپ کیا دیکھتی ہیں یا وہ کسی سے بھی کر لیتے ہیں انہیں کوئی پرابلم ہے؟ میرا خیال ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بہت سمجھدار ہیں, اگر انہوں نے نہیں کرنی تو بڑے پیار سے آرام سے منع کر دیتے ہیں, اگر کرنی ہے تو کر لیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا زیادہ سوچتے ہیں, کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتے بچے. شیعہ ہے کوئی اور کوئی سنی ہے اور ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, وہ بڑے پیار سے اچھے سے بات کریں گے, اچھی طرح سے سب کچھ کریں گے, بعد میں مجھے بتا دیں گے, کوئی اور بتا دیں. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ دیکھو وہ کسی کا دل نہیں توڑتے. یہ بہت بڑی بات یہ. تو سونیا آپ کی طرف آتی ہوں, کھانا پکانا ایک آرٹسٹک ایکسپیرئنس, ایک آرٹ کی ہی شکل ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھی چیز ڈفرینٹ چیزوں کو ملا کے اس کو کرتے ہیں. بالکل. تو آپ کی ٹیم میں کون کون شامل ہے اور کیوں؟ میری ٹیم میں میرے ہسبینڈ ہیں اور میری بیٹی ہے, وہ ہیلپ کرتے ہیں ساتھ. بیٹی جو ہے وہ میری مووی وغیرہ بناتی ہے اور ہسبینڈ ایڈیٹنگ کرتے ہیں, تو بس تینوں مل کے پھر ہو جاتا ہے. یعنی یہ آپ کا ایک فیملی وینچر ہوتا ہے جس میں آپ ایک ساتھ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. بالکل, اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. ایک اچھا آپ کا وہ ایکٹیویٹی کے طور کے اوپر آپ اس کو لیتی ہیں. تو فرح, جب آپ ایونٹ مینجمنٹ کرتی ہیں اور میٹرمونیل کرتی ہیں تو گھر کو کیسے سنبھالتی ہیں؟ گھر کا بھی ہو جاتا ہے, اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. جیسے یہ میں نے کوئی اپنا بھی پچھلے دنوں میں نے ستاروں کی شام کروایا تھا, تو شام ہی کو ہوتا ہے سارا, زیادہ تر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, اور پھر اتنے کاموں میں اتنی انرجی آتی ہے کہ ساتھ میں کچن بھی کر لیتی ہوں, پتہ نہیں چلتا. انرجیٹک ہوتا ہے. ہاں, ایک دم سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کر رہی ہوں, اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس میں جلدی جلدی دوسرے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. تو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں اپنی ریکارڈنگز اور اپنے گھر کا کام, اور پھر کیا سوچتی ہیں کہ آج میں نے یہ ریسیپی دینی ہے, پھر اس کو ٹرائی کرتی ہیں گھر میں اپنے لیے؟ جی, وہ پہلے بنا کے ٹرائی کرتی ہوں, اور کچھ تو کی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہ ہے کہ ویک میں دو دن میں یہ کرتی ہوں ریسیپی کا جو ویڈیو بنانی ہوتی ہے, تو اس میں پھر گھر بھی مینیج ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ, کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی, اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. بالکل. تو آپ فرح, آپ کہتی ہیں آپ کو 16 ایئرز ہو گئے ہیں آلموسٹ اس کے اندر, تو سب سے مشکل وقت کون سا تھا اور سب سے اچھا وقت کون سا تھا اس میں؟ اچھا, مشکل وقت یہ تھا جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو حلیمہ اس وقت نا بڑا مشکل تھا لوگوں کو سمجھانا بتانا. جب میں نے فرسٹ ٹائم میٹ اینڈ گریٹ کا پروگرام کرنے لگی یہاں پہ 12 سال پہلے, اور میں نے پرل بینکٹ ہال اس وقت بنا تھا, میرا پہلا پروگرام ادھر ہوا تھا. اب میں کہہ رہی تھی کہ لڑکی والوں کو, لوگوں کو, سب کو میں نے ادھر بلانا ہے, کیسے بلاؤں, کیسے لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے, بس سوچ لیا کہ بس میں نے یہ کروانا ہے, لوگوں کو ایک دوسرے سے ملانا ہے. تو کیا ہوا کہ مجھے لوگ, کوئی کہتا تھا تم جمعہ بازار لگانے لگی ہو لڑکی لڑکوں, کوئی کیسی باتیں, کوئی کہتا کوئی بھی نہیں آئے گا, بڑے لوگوں نے عجیب عجیب سی باتیں کی. میں ڈر رہی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ اللہ پاک میری عزت رکھ لینا, میں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے, اب پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. تو کیا ہوا کہ میں نے وہ پروگرام کے لیے ہال بھی لے لیا, سب کچھ کر دیا, ایڈورٹائزمنٹ شروع کر دی. اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ لڑکی والے کیسے آئیں گے, لڑکے والے کیسے آئیں گے, اور پھر میں نے دل میں سوچا کہ لڑکی والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لڑکے والے ہیں, اور ان کو کیسے پتہ چلے گا. دین میرے دل میں ایک دم سے خیال آیا, میں نے بلو نیپکن ٹیبل کے کور جو تھے لڑکے والوں کے تھے اور پنک لڑکی والوں کے تھے, اور ان کو بتا دیا تھا کہ لڑکی والے اس پہ بیٹھ جاؤ, لڑکے والے اس پہ. آپ یقین کریں گے کہ لابی میں بھی جگہ نہیں تھی, اتنی دنیا آئی ہے, اتنے لوگوں کا رشتہ ہوا, اور اگلے دن اتنے نیوز پیپر خبریں, لوگوں میں, کمیونٹی میں, کہ اتنا اچھا پروگرام ہوا, اتنا اچھا. اس کے بعد میرے اندر بڑی انرجی آئی اور مجھے اتنا اچھا لگا, میں باقاعدہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جب لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے, ایکسائٹیڈ عورتیں, آدمی, لڑکے, لڑکیاں, اسٹوڈنٹ لڑکے, بیچلر لڑکے جو اکیلے رہتے ہیں, وہ جو سنگل عورتیں تھیں, سنگل آدمی تھے, سارے آئے ہیں, اور سب نے اتنا زیادہ لوگوں کی, بلکہ ایک میں آج تک نہیں بھولتی حلیمہ اس واقعے کو, ایک میرے پاس ایک, میں نام نہیں لینا چاہتی, اس کی 2 شادیاں ہوئی تھیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے, ایک لڑکی تھی اس کی بھی 2 ہوئی تھیں, میں نے کہیں ان دونوں کو دیکھا, میرے ذہن میں آئے, میں دونوں کو ملا دیا. آج ماشاء اللہ ان کے اتنے بڑے بڑے بچے ہیں, عمرہ کرنے گئے, اتنا کچھ, اور اتنے خوش ہیں وہ. اور میں نے اس پروگرام میں اتنے لوگوں کا آپس میں ہوا تھا, اتنے لوگوں کا, کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مجھے ایک ہفتہ تک نیند نہیں آئی تھی
खुशी से एक्साइटमेंट से कि सक्सेस अच्छी भी लगती है। और फिर इसमें ये भी एक नई चीज थी, ये लोगों ने कभी पहले किया नहीं था कि सबको इकट्ठा करना, मिलाना। मैं पेरेंट्स के साथ बुलाती हूँ, अकेले नहीं बुलाती, पेरेंट्स भी मिल लें। कि पेरेंट्स का इसलिए मेरे लिए ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे पसंद करें तो माँ बाप बैठें, माँ बाप भी एक दूसरे से मिल लें, ताकि ये भी एक होता है ना कि अब देखो माँ बाप क्या कहेंगे, तो ये मसला हल हो जाता है उधर ही। आप यूट्यूब के ऊपर चैनल कर रही हैं और रेसिपीज शेयर कर रही हैं, तो आप खाने बना की रेसिपी शेयर करते हुए जहन में रखती हैं कि ये जो है ये हॉस्टल में बैठे हुए बच्चे के लिए है, ये दादी अम्मा के लिए खाना है, या कुछ इस तरह का, या जस्ट एक रेसिपी दे देती हैं और कहती हैं कि आप ये सोच लें कि इसके इसके ऊपर क्या हो सकता है? नहीं, मेरी ट्राई ये होती है कि सभी जो इसको फॉलो करें, मेरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो करें और इसके लिए जो है और ईजी से सबको समझ आ जाए, यही ज़्यादातर इसी पर मेरा ध्यान होता है। और अभी मैंने बल्कि किड्स की बनाई है बच्चों की रेसिपी 3 सैंडविच की, अक्सर मैंने माओं को देखा है कहते हुए कि वो बच्चों को ऐसा क्या क्विक दें कि वो उनके लिए हेल्दी भी हो और वो शौक से खा भी लें। तो आपको उस चैनल पे काफ़ी बच्चों के लिहाज से भी उनके लिए भी हेल्दी रेसिपीज़ मिलेंगी और जल्दी बनने वाली भी होंगी। इंग्रेडिएंट्स कम यूज़ करती हूँ, ताकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग इतना सब कुछ इंग्रेडिएंट्स इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं कि वो फिर जो बनता है वो इतना कुछ खास चीज़ नहीं बनती, तो फिर वो इकट्ठे करने में भी इतना टाइम जी इकट्ठे करने में भी बनता है लगता है टाइम। और मेरी वो होती हैं चीज़ें जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, तो बस इस चीज़ का ज़रा ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है और पसंद भी आती हैं फिर जिन लोगों ने उसको बनाई हैं चीज़ें, वो भी अच्छी फीडबैक देते हैं। पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना इस वक्त जिसको देखिए कम्युनिटी इतनी बढ़ गई है और हर शख्स ये चाहता है कि मैं इवेंट मैनेजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ हो जाए, तो आप कैसा महसूस करती हैं इस सारे सिनेरियो को, इस सारे सीन को, आपको कैसा लगता है? मुझे तो मैं कोई मुश्किल नहीं है इतना, अगर आप करना चाहते हैं तो बस ये होता है कि टीम आपके साथ कैसी है डिपेंड करता है। टीम अगर आपके साथ अच्छी है फिर सब कुछ आसानी से हो जाता है। आप उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं, आप उसको बैठ के सोचते हैं नया क्या होना चाहिए, लोगों को नयापन ज़्यादा चाहिए होता है। अभी लास्ट टाइम पे जब मैंने शो किया था तो मैंने नाम रखा था सितारों की शाम, आपके नाम, तो उसको भी बिल्कुल टोटली डिफरेंट तरह से किया था। हम जहाँ भी जाते हैं स्टेज पे ऑलरेडी सिंगर होते हैं, खड़े होते हैं, वो बस कुछ भी नहीं होता उनका, तो मैंने सोचा था कि इस सब सिंगर की एंट्री ज़रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने जब सिंगर कुछ कोई जो भी आ रहा था उसके ऊपर हमने लाइट डाल रहे थे और वो हॉल की लाइट बंद थी और वो अपने गाना गाते हुए आ रहा था, लोगों को बहुत अच्छा लगा। जब दूसरा प्रोग्राम किया मैंने कहा फिर भी कुछ और भी होना चाहिए, फिर हमने जिन गानों जो जो गाने थे जिस दौर के उस दौर के वो कपड़े पहन के अपना गेटअप वैसी करके आए थे, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा था। बल्कि इतना अच्छा लगा कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया 12-1 बजे 2 बजे तक लोग वहाँ बैठे रहे, वो उसी समय में बैठे रहे और उनका दिल ही नहीं कर रहा था उठने को, और बड़ा अच्छा लगा था, मुझे भी अच्छा लगा, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की। टोटली डिफरेंट प्रोग्राम था। जब कोई आप नया सा एक प्रोग्राम करें, आप चाहते हैं कोई तब्दीली होनी चाहिए, कहते हैं ना तब्दीली हर जगह ज़रूरी है, पाकिस्तान में भी, यहाँ भी, हर जगह, तो वो थोड़ा सा लोगों को चेंज अच्छा लगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि जब भी कोई प्रोग्राम करूँ तो उसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा नयापन लेके ताकि मैट्रिमोनियल के हवाले से ही वापस एक बात करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स की डिमांड्स हैं, क्या यहाँ पे आपको अंदाज़ा है कि बैक होम पाकिस्तान में कम्युनिटी किस तरह है और यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा सा फ़र्क होगा, तो आप मैट्रिमोनियल के इस सेक्शन में मैच मेकिंग में क्या कोई फ़र्क महसूस करती हैं? लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, इसलिए रिश्तों में प्रॉब्लम आई हुई है। यानी कि वो कहते हैं कस्टम मेड बना के दो, अपने आप को नहीं देखेंगे, ये भी हो ये भी हो, ये चीज़ चाहिए ये चीज़ चाहिए, जहाँ सब कुछ मिल जाता है फिर कहते हैं नहीं कोई और बताएं। ये प्रॉब्लम इतनी ख़ास तौर पे कनाडा में आ गई है, इस कदर आ गई है कि अब रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। फिर ये कहते हैं बताता नहीं जी हमें, तो मैट्रिमोनी वाले वो भी नहीं बता रहे, वो भी नहीं बता रहे, कोई
मैट्रिमोनी वाला कहाँ से लेकर आए, जो मेरे पास हैं वही मैंने बताने हैं। अब वो वन चार्ट में हम बता देते हैं, कर देते हैं, सारा कुछ हो जाता है, फिर और बताएं और बताएं। एक टाइम पे आके इंसान कहते क्या करूँ, मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ क्योंकि कोई आएंगे नहीं तो बताऊँगी ना। लेकिन मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, बल्कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट को ख़त्म करें। पांच चीज़ें जेन में, चार मिल रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। नहीं, वो कहते हैं पांच है तो हमें दस दो, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। आप यकीन करें कि बच्चियों के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है। बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की वजह के साथ से लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, रिश्तों में आसानियाँ पैदा करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ा कहा था कि शादियों में आसानियाँ हों। अब ज़ात पात बहुत आ गई है, अब ये चीज़ हमारी इधर कनाडा में इतनी आ गई है ना, हमारी ये ज़ात है इसी में बताओ, हम ये हैं हमें इसी में बताओ, हमारा ये इसी में बताओ। अब इतना एक कहते हैं ना ढाई गज की मस्जिद बना के हर कोई अलग अलग बैठ गया है, और फिर अब रिश्तों में बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो अपनी ज़ात से बाहर ही नहीं करना, हमें बताएं, हमें पीछे से बताएं उनका कहाँ से सिलसिला चल रहा है, कैसे है। तो मैंने देखा है बहुत मुश्किल कर दिया रिश्तों को इन्होंने। तो क्या जो यंगर जनरेशन है जो यहाँ के जिनके रिश्ते करने के लिए आते हैं उनकी सोच में कोई वो क्या करें, माओं के साथ बेटे बैठे होते हैं, आते हैं, माएँ कहती हैं देखिए हमारी बरादरी में ये है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम जट हैं तो हमें जट चाहिए, हम सैयद हैं तो सैयद, हम चौधरी हैं, हम वड़ाइच हैं, हम ये हैं। अब हम तो मैं तो वो जब बच्चे देखते हैं माँ बाप इस कतर बैठे हुए हैं जज्बाती होके, तो वो क्या करेंगे, वो खामोश हो जाते हैं, उन्होंने क्या करना है। लेकिन ये बच्चों के लिए भी मुश्किल पैदा कर रहे हैं ये पेरेंट्स, ये लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी, और ये आगे के लिए और मुश्किलें ला रहे हैं। क्योंकि जिस दौर में ये लोग आए थे ना, 70s 80s के दौर में ये लोग आए थे, उस दौर में वो जो अपने जहन में एक पिक्चर लेकर आए थे ना, उसको नहीं ख़त्म करना चाहते, वो ज़बरदस्ती बच्चों के अंदर डाल रहे हैं, नहीं तुम पीछे से ये हो, तुम्हें ये। तो अब वो बच्चे क्या करते हैं, वो पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं, चुप करके बैठे होते हैं, जो ये कहेंगे वैसे ही होगा। रिश्तों में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीलों की आपस में शादियाँ की थी, उस कबीले क्योंकि इस्लाम में वसत आए, आगे बढ़े, लेकिन ये अब उसको छोटा करते करते मुख्तसर ये एक ढाई गज की मस्जिद हर कोई बना के अलग अलग बैठ रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम से सबको मैसेज देना चाहती हूँ, मुसलमान हों, अच्छे लोग हों, बच्चों की शादियों में आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलें ना, बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। क्या ये सब वजूहात जो हैं ये तलाक का बाइस बन रही है? बहुत ज़्यादा तलाकें हो रही हैं, बहुत डिवोर्स हो रही है, बहुत हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप शादी करते हैं आपको एक शोकेस चाहिए होता है, आप चाहते हैं वो मैं रिश्तेदारों को, जानने वालों को बताऊँ कि देखो मैं सबसे अच्छा करके लाई हूँ। उसमें उस वक्त ये नहीं देखते कि हमारी आसानी कहाँ पर है, लड़की गोरी चिट्टी खूबसूरत हो, वो पढ़ी इतना हो, वो जॉब ऐसे कर रही हो, वो उनका फैमिली हाई फाई फैमिली हो, सब कुछ हो। लड़की वाले कहते हैं कि हमारी बेटी है, अच्छा आते वक्त ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत सिंपल, हमें शादी से कुछ नहीं चाहिए। फिर कहेंगे ऐसा हो, ये हो, ये हो, 10 चीज़ें गिनाते जाएंगे, फिर कहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। तो उससे क्या हो रहा है, दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं और जो लड़के हैं उनकी माएँ जो है, और उनको चाहिए बरादरी के, हमारे तो इससे चाहिए, इस बरादरी से चाहिए। चंद एक फैमिलीज हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके रिश्ते भी आराम से हो जाते हैं, खुश बैठे हैं। डिवोर्स की इसलिए बढ़ गई है वजह, बहुत बढ़ गई है कि रिश्ते करते हुए हम वो चीज़ें नहीं देखते कि जिसमें सुख है, जिसमें एक दूसरे के साथ कम्फर्टेबल है, नहीं प्रॉब्लम्स इतनी पैदा कर दी है बच्चों के लिए, इतनी कि आपस में जहन नहीं मिलते हैं, ज़बरदस्ती शादियां कर दी जाती हैं, ज़बरदस्ती को सोचा नहीं जाता। उस वक्त हम माशरे को देख रहे होते हैं, हम ये लाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमने ये करना है। बस ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन, हम इस सिलसिले में गुफ्तगू अभी जारी रखेंगे कि हमारी मैट्रिमोनियल ज़रूरियात किस तरफ जा रही हैं, यंगर जनरेशन क्या कर रही है, और हमारी वो जनरेशन जो यहाँ आई थी वो क्या कर रही है। और इसके साथ साथ खाना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए भी और हमारी ज़िंदगी के लिए भी। इन सब बातों की गुफ्तगू को जारी रखते हैं, चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ।
Pandit Vijayaram, a famous astrologer and psychic healer. Palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijayaram ka kehna hai, inke paas aapki tamam samasyaon ka hal hai. Kale jadu ka tod, aapka mehboob aapke kadmon mein, aapki marriage, job, karobar, bimari aur court kachehri samet tamam samasyaon ka hal. Tamam dharmon ke behan bhaiyon ki mushkilat dur kar sakte hain. All religions welcome. Pandit Vijayaram se rabta kijiye 647-391-2133 647-391-2133 Address 5330 Yonge Street, North York, Toronto. वेलकम बैक टू कम्युनिटी डिबेट. बात शादियों से, रिश्तों से और ख़ानदानों के मिलने से शुरू करते हैं. तो आपने, आपसे फरा मेरी बात हो रही थी, हम उसी पॉइंट पे वापस आते हैं कि जो पेरेंट्स हैं ख़ास तौर पे, वो जब आते हैं तो वो पैकेज लेके आते हैं और वो डिवोर्सेस का बाइस भी बन जाता है. तो आप क्या यहाँ पे नाज़रीन को सजेस्ट करना चाहेंगी कि मिलने के, ये जो आप मिलाती हैं जिसमें पेरेंट्स भी मिलाते हैं, ये उनकी सहूलत के लिए है और ये कैसे उनकी सहूलत के लिए है? जी, सबसे पहले तो मैं हलीमा आपको बताती हूँ कि जब किसी ज़माने में शादियाँ होती थी ना, तो कहते थे तुम्हारे मामू की बेटी है, चाचा की है, ताए की है, इससे रिश्ता कर लो. तीन च्वाइस होती थी किसी एक को करके. वो शादी बड़ी कामयाब होती थी, बहुत अच्छी शादी होती थी. उसमें ये होता था कि आप अपने बच्चे को इतनी ज़्यादा च्वाइस दिखा देते हैं ना, इतनी ज़्यादा दिखा देते हैं कि उसको आप बताएंगे हम उस घर में गए, इतनी देखी, उधर देखी. मैंने तो अपने बेटे के लिए अभी तक 40 लड़कियां देख ली हैं. मैं तो एक साल से देख रही हूँ, मैं दो साल से देख रही हूँ. अब वो उस लड़के की जिससे भी शादी होगी ना, वो कहेगा नहीं, वो लड़की ज़्यादा अच्छी थी, वो लड़की मुझे शायद इससे भी अच्छी मिल जाती. तो उस वजह से वो मुतमईन ही नहीं होता. और लड़की भी शायद, उसकी भी यही वजह है कि उसके पेरेंट्स भी बहुत जगह जगह जा जा के देख देख के उन्होंने अपने बच्चों के अंदर इतनी चीज़ें लेकर आ गए हैं ना, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है. वो लड़का भी कहता है मैं तो पता नहीं कितनी लड़कियाँ देख चुका हूँ, मैं तो पता नहीं क्या चीज़. ये समझते नहीं कि ये गलत, बहुत गलत है, बहुत गलत है. कैनेडा में रहते हुए, कैनेडा ज़्यादा ख़राब हो गया है पाकिस्तान की निस्बत. पाकिस्तान में फिर भी आसानी है, यहाँ रिश्ते करते हुए इतना तंग कर रहे हैं लोग, इतना तंग कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स की मैंटेलिटी वही है जो मैंने आपको बताया ना, जिस दौर में आए थे, जो उनके दिमाग में पिक्चर है वही है. अब उनको मैं ये कहती हूँ कि तुम जिस दौर में यहाँ आए थे 25-30 साल पहले, अब तुम पाकिस्तान में जाओगे तो वो चेंज हो गया. इवन कोई छोटा सा गांव भी जाके देखे ना, वो भी बहुत चेंज हो गया है. और ये लोग नहीं मानते इस बात को, ये उसी दौर में उसी जगह बैठे हुए हैं. बल्कि मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हमारी, मैं अपना बताती हूँ, मेरी माँ जो थी, उसकी माँ एक जैसी थी, ठीक है, वो उनमें कोई तब्दीली नहीं थी, कुछ नहीं था. अब मेरे बच्चे जो हैं, इनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो सब एक जैसे होंगे, उनकी सोच. हम इस वक्त जो मैं बैठी हूँ ना, मैंने तालीम कोई और ली है, देख कोई और रही हूँ. मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ या मेरी अपनी नानी, रिश्तेदारों को देखती थी, वो कुछ और तरह से थे, और तरह सारा कुछ था. अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, वो अपने बच्चों के लिए भी कम्फर्टेबल हैं, लेकिन हम सैंडविच बने हुए हैं जो हम जिस दौर से आए हैं. तालीम कोई और ले रहे हैं, देख कोई और रहे हैं. हर वक्त हमें बताया जाता था टीचर की रिस्पेक्ट करो, बोलना नहीं है आगे से, ये नहीं. बच्चे जो हैं उनको बताया जाता है कि तुम बोल लो, तुम्हारा राइट है. तो भाई मैं कह रही हूँ कि बच्चे भी ठीक रहेंगे, मेरी माँ भी ठीक थी, वो भी ठीक थे, लेकिन हम इस सब प्रॉब्लम में. और ये जो मैं बता रही हूँ ना बात, मैं फिर भी चेंज करने, आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ इनके माहौल में ढल जाएं. तो रिश्ते करते वक्त भी ना हमें ये सोचना चाहिए, बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करो. ज़रूरी नहीं कि आप रिश्तेदारों को बताओ कि हमने क्या किया है, हमारी वो बेटी के लिए कैसा आ गया, बेटे के लिए. ये देखो बेटी कहाँ खुश रहेगी, बेटी के लिए क्या है, बेटा कहाँ है, क्या है. ऐसे जो रिश्ते आप हज़ार रिश्ते देख के 10 घरों में जाके आप देखते हो, ऐसे ही है ना, सिंड्रेला के शूज़ हैं वो आप घर घर लेके जा रहे हैं, किसके पाँव में पूरा आता है, किसके पाँव में, वो किसी एक पाँव में आएगा, बाकी तो बेचारियाँ परेशान होंगी ना. तो बेहतर यही है कि आप के जहन में आ गई लड़की, आपने देखी वो अच्छी है, घर अच्छा है, लड़की तालीम अच्छी है, चलो दो एक और देख लो. लेकिन इतना ना देखो कि आपका बच्चा भी डबल माइंडेड हो जाए, लड़की भी, और आप भी कहीं से करके लाएंगी, आपके जहन में 10 लड़कियां घूमेंगी कि वो शायद ज़्यादा बेहतर थी. चलता रहेगा. तो
सोनिया, आप ये बताइए कि आपने एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी काम किया है यूट्यूब का चैनल चला के, तो अब आप इसका फ्यूचर कहाँ ले जाना चाहती हैं, इसको कैसे देखती हैं? इसको भी मैं प्रोफेशनल तौर पे रखूँगी आगे, जहाँ तक भी हुआ अभी करूँगी मैं ये वीडियोस वगैरह का, रेसिपी इसके ऊपर। तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपको, आपकी सबसे बड़ी, आप इतना टाइम कंज्यूम करते हैं तो सबसे बड़ी जो इनकम होती है वो ये होती है कि आपके आपका ये चैनल चले तो यूट्यूब आपको पे करता है, तो आपका ऐसा कोई गोल है या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है? नहीं, अभी तो होगा आगे चल के, अभी तो नहीं, लेकिन आगे जब मेरी वीडियोस वगैरह आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आगे मुझे इसको रखना है, तो उसके साथ साथ चलते जाना। उसके साथ तो साथ आप कोई खास करती हैं कि ये ऑर्गेनिक फूड है या ये मीट डिशेस, कुछ ऐसा करती हैं या आप एक जनरल डिश का कॉन्सेप्ट देती हैं और उसके साथ चलती हैं? ऐसा तो नहीं, सभी तरह की डिशेस होती हैं, मैक्सिकन भी हैं चैनल पे मेरे, पाकिस्तानी डिशेस भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, और कुछ लोग होते हैं वो ऑर्गेनिक पसंद करते हैं, कुछ नॉन ऑर्गेनिक लोग होते हैं, तो इसलिए इसका कुछ इतना नहीं करती, लेकिन जो सहूलत से मिल जाए और हेल्दी डिशेस होती हैं और कम टाइम में बनने वाली होती हैं, तो जो आसानी से, बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, उसमें वो नहीं, हर एक की अपनी बिल्कुल चॉइस है कि उसको कैसे, बिल्कुल बच्चों के लिए भी हेल्दी रेसिपीज बनाई हुई हैं, हर तरह की रेसिपीज आपको मिल जाएंगी, मिल जाती हैं उस पे, कहती हैं जी। तो फरा, माओं की तो बात हो गई, बेटों की भी बात हो गई, बेटियों की भी, फादर्स का क्या, इसमें मर्दों मर्द हजरात का क्या रवैया है, और फिर उसके साथ साथ अब तो हर एज में शादी हो रही है, तो एज रिजर्वेशंस की अभी भी उसी तरह है या क्या उसके अंदर चेंज है? एज का जो है ना, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि दो एक साल का फ़र्क हो जाए। मर्द की आपने बात की थी, आदमी भी बहुत अपनी जो परंपरा है ना वो नहीं छोड़ते हैं। आदमियों को मैंने देखा है, जब बातें हैं ना हमारे घर में, जब भी आएंगे, जब मैं बातचीत हो रही होती, तो आदमियों में परंपरा ज़्यादा होती है, मेरा फलाना रिश्तेदार उसने ये कर दिया, उसका ये, मैं तुझे, आप मेरा नाम ले लें, किसी का भी वहाँ जाके बता दें, मेरा सबको पता है, मेरा मतलब रिश्ता करते हुए उनको ये होता है कि मैं तो पता नहीं कौन हूँ और मेरा जो है ना, मुझे चाहिए अपने हमपला लोग चाहिए। आदमी में ज़्यादा है औरत की नस्बत आदमी, और लड़के और लड़कियाँ जो आते हैं जो कि यहाँ पे पढ़ते हैं इस निज़ाम में, नहीं है ये चीज़, उनमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं। भी नहीं, लड़की और लड़के का फ़र्क जो है या दोनों की नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बड़ा अच्छा है। मैंने देखा अब जो नई जनरेशन आ रही है, घर के कामों में, बाहर के कामों में, दूसरे एक दूसरे में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि नई जनरेशन में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि जो इनका फ़ैसला वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर। फिर हमें पेरेंट्स को चाहिए ना कि बच्चे इतने अच्छे हैं, जब हमारी हर बात मानते हैं, तो हमें उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लानी चाहिए और उनकी डायरेक्शन रखनी चाहिए। हाँ, उसको अगर आपने जी हाँ। सोनिया, बहुत से लोग जो होते हैं वो देख रहे होते हैं टीवी, तो वो ये कहते हैं कि मेरा, बहुत शेफ़ भी जो होते हैं उनका खास उन्हें पसंद होती है चीज़, आपको क्या चीज़ बहुत पसंद है जिसकी रेसिपी भी आपने शेयर की हो और वो आपका, आपने सोचा हो कि जब मैं अपना शो शुरू करूँगी तो मैं सबसे पहले ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी, वो क्या था? वैसे तो दो तीन रेसिपीज़ हैं ऐसी, एक है चिकन जलफ्रेज़ी की है जो कि मेरी वीडियो भी है, और उसके अलावा लाहौरी कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई, इस तरह की रेसिपीज हैं जी, जो आपका बड़ा बिल्कुल। और मीठे के अंदर भी आप करती हैं, किस टाइप के खाने बनाती हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, फ्यूजन्स भी करती हैं कुछ या? जी, हर तरह के मिक्स होते हैं सभी तरह की चीज़ें ना, जो आजकल बच्चे खा भी लें, बिल्कुल, जो बच्चे खा लें, बड़े भी, और इवन वेज डिशेज भी हैं, मीट की भी हैं, मीट लवर्स के लिए हर तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, तो मीठे में आप कौन से मीठे ज़्यादा चलते हैं, ट्रेडिशनल मीठे ज़्यादा होते हैं या फ्यूजन्स के साथ चलते हैं? आजकल जैसे ट्राइफल, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, होममेड आइसक्रीम्स होती हैं, ये लोग ज़्यादा चीज़ें मेरे ख्याल है कि पसंद करते हैं। अच्छा, तो आपको फीडबैक किसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिला, कौन सी रेसिपी पे सबसे ज़्यादा फीडबैक आया? सबसे ज़्यादा काफ़ी हैं इस तरह की, मीठे की भी हैं और कुछ चाइनीज़ पे हैं, चाइनीज़ पे ज़्यादा फीडबैक आया है। ज़्यादा फीडबैक जो ज़्यादा लोगों ने पसंद की वो चाइनीज़ है कि बहुत जल्दी बन जाती हैं और इतना टाइम भी नहीं लगता, और उनको अच्छे से वो चटपटी भी हैं और वो फॉलो भी अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से फॉलो अप भी हो जाता है। बिल्कुल। तो फरा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, आप हमारे थ्रू अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैं तो ये मैसेज देना चाहती हूँ, जब वो मेरे पास आते हैं, जब इतनी रिक्वायरमेंट्स के साथ आते हैं, तो फिर रिश्ता मुश्किल हो जाता है। रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा करके आएँ, थोड़ी सी चीज़ें जेन में लेकर आएँ, तो रिश्ते बहुत जल्दी हो जाएंगे। फिर ये इन लोगों को शिकायत नहीं होगी कि फ़र्क फ़ोन नहीं उठाती, जल्दी नहीं करवाया, इतना टाइम हो गया है, अब ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप पांच चीज़ें जेन में लेकर आएँ, चार मिल रही हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें। और कोशिश यही होनी चाहिए कि रिश्तों में आसानियाँ पैदा करें, बस। और जो ऑर्गेनाइज करती हैं इवेंट्स, उसके हवाले से कुछ कहना? वो मेरा प्रोग्राम हो रहा है 9 फरवरी को हो रहा है, उसमें ज़रूर आएँ। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। जब आप एक एक घर जाते हैं, वहाँ पे आपकी एक एक के पास 30-30, 40-40 जो है ना, उनके पास च्वाइस आ जाती है, लड़कों के पास भी और लड़कियों के पास भी। तो उस प्रोग्राम में ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि एक ही जगह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं एक साथ, आपको बहुत ज्यादा टाइम भी बच जाता है, लोगों के साथ लोग भी मिल जाते हैं। तो आप सोनिया हमारे जरिए लोगों को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी फूड के हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियोस देखें यूट्यूब पे कुकिंग विद सोनिया के नाम पे, और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अपकमिंग रेसिपीज के लिए उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें हेल्दी फूड की भी काफ़ी मैंने बनाई हैं वीडियोस, और जो जल्दी बन जाती हैं, क्विक बन जाती हैं। अब आप दोनों क्विकली अपना अपना टेलीफोन नंबर दें, आपसे कोई रابطہ करना चाहे और आपसे कोई रेसिपी शेयर करने के लिए रابطہ करना चाहे कि मेरी रेसिपी है, इसको भी करें, इसको भी करा के देखें, तो किस नंबर पे वो रابطہ करें? जी, मैं फरा सैयद हूँ, मेरा फ़ोन नंबर है 6476276909। जी, मैं सोनिया सईदा, मेरा फ़ोन नंबर है 5195011094। आज के हमारे इस शो में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ कम्युनिटी के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत सारा काम कर भी रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी आसानियाँ कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं। यूट्यूबर्स के लिए बहुत सहूलत है, स्टूडेंट्स जहाँ बैठे हैं उनको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाती हैं, क्विक रेसिपीज़ जिनके ज़रिए वो काम अपना कर लेते हैं। इनके लिए इनके चैनल्स देखिए, इनके नंबर्स के ऊपर इनसे रابطہ कीजिए और आपस में जुड़े रहिए। कम्युनिटी के मसाइल पे हम डिबेट्स करते रहेंगे, लोगों को बुलाते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। आज का ये शो देखने का बहुत शुक्रिया।